कहानी की शुरुआत में हमें प्रेमीथियस गौड़ को दिखाया जाता है परमीथियस गौड़ आज अपने फादर से मिलने के लिए जा रहा था जिसका नाम जूस था जूस से जब वो जाकर मिलता है तो जूस उसके बेटे परसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि उसका लाइटलिंग बोल्ट उसके बेटे परसी ने चुराया है और वो उसको ये भी कहता है कि अगर उसने पंद्रह दिन में उसका लाइटलिंग बोल्ट नहीं लौटाया तो वो जंग छेड़ देगा और इसी के दौरान वो वहाँ से चला जाता है इसके बाद हम एक स्कूल का दृश्य देखते हैं जहाँ पर हमें पर्सी और उसके दोस्त को दिखाया जाता है इसके बाद जब पर्सी क्लासरूम में था तब वहाँ पर उसके सामने इंग्लिश का सवाल था जिसको उसकी टीचर ने उसे सॉल्व करने को कहा था लेकिन हम देखते हैं कि पर्सी इंग्लिश को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहा दरअसल पर्सी को जहाँ पर इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम थी एक दिन वो अपने दोस्त के साथ एक म्यूज़ियम में जाता है जहाँ पर उसके सामने एक ग्रीक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था जिसको कि वो आसानी से रीड कर लेता है पर्सी की टीचर जब उसको ऐसा करते हुए पीछे से देखती है तब उसको कहती है कि मेरे साथ साइड में चलो जब वो उसको साइड में ले जाकर एक अलोन रूम में लेकर जाती है तब हम देखते हैं कि वो एक ऊंची जगह के ऊपर खड़ी हुई है और जहां पर अगले ही पल वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है और पारसी के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है ओ, 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 नहीं तो मैं ले लेकिन तभी वहां पर एक प्रोफेसर उसके दोस्त के साथ आ जाता है वो मॉन्स्टर अब उसको नीचे फेंक देता है अब जहाँ पर जो वो मॉन्स्टर था इन लोगों से डर कर खिड़की की मदद से बाहर चला जाता है हम देखते हैं कि जहाँ पर वो प्रोफेसर बताता है कि पर्सी एक गॉड है इसीलिए इसको गॉड्स के स्कूल पर लेकर जाना पड़ेगा और ये जिम्मेवारी भी उसके दोस्त को देता है और पर्सी को जहाँ पर वो एक जादुई पेन को देता है और कहता है कि सही वक्त आने पर इसको यूज़ करना इसके बाद पर्सी और उसका दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं पर्सी का दोस्त जहाँ पर यह भी बताता है कि तुम गौड़ के बेटे हो और जहाँ पर पर्सी को ये सारी बातें अजीब सी लग रही थी इसके बाद पर्सी उसकी मदर और उसका दोस्त गाड़ी में बैठकर शहर से दूर जाने लगते हैं जहाँ पर उसकी मदर भी बताती है कि हाँ तुम गौड़ के ही बेटे हो अब इन लोगों को रास्ते में काफी रात हो जाती है और बीच रास्ते में ही इनके कार के सामने एक एनिमल आ जाता है जिस कारण इनकी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट वहाँ पर हो जाता है और इस एक्सीडेंट के दौरान ये लोग भी जंगल के रास्ते से भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पड़ा था और जब जे स्कूल में पहुंचते हैं तब परसी तो उसके दोस्त के साथ अंदर चला जाता है लेकिन मदर उसकी अंदर नहीं जा पाती परसी उसको खींचने की कोशिश भी करता है लेकिन तभी वहां पर वो मॉन्स्टर आकर उसकी मदर को अपने हाथ में पकड़ लेता है आरसी भी अपने पेन को तलवार में तब्दील करता है अब वो अपनी मदर को उस मॉन्स्टर के हाथों में मरता हुआ देखता है जिस कारण उसको काफी गुस्सा आता है और उसकी मॉन्स्टर के साथ जहां पर एक छोटी सी फाइट होती है और इस फाइट के दौरान उस मॉन्स्टर का एक जो सिंग होता है वो पेड़ में लगकर टूट जाता है पर्सी उस सिंह को पेड़ में से निकालने की कोशिश करता है और इसी सिंह की मदद से वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और इस सिंह के कारण वो बुरी तरह से घायल होता है और ज़मीन के ऊपर गिर जाता है और इसके बाद पर्सी और उसका दोस्त जहाँ से उसी स्कूल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर जे लोग आना चाहते थे जहाँ पर पर्सी को उसका दोस्त पूरा स्कूल दिखाता है और स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है सभी बच्चों के साथ पर्सी को इंट्रोड्यूस कराता है सभी बच्चे जब पर्सी को देखते हैं तो वो काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि पर्सी बहुत ही बड़े गौड़ का बेटा था दरअसल ये सभी लोग गौड़ ही थे जहाँ पर जब रात को पार्टी चल रही थी तो जहां पर सभी लोग इस पार्टी का लुप्त उठा रहे थे लेकिन पर्सी अपनी मम की मृत्यु के कारण काफ़ी परेशान था तभी वहां पर जो आग जल रही थी उसमें से एक हल्का मॉन्स्टर बाहर निकलता है और जे हेल्का देवता जहां पर पर्सी के लिए आया था वो उसकी मदर की इमेज उसको दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी मदर अभी भी हेल में जिंदा है और अगर तुम अपनी मदर को बचाना चाहते हो तो तुम्हें जूस का लाइटनिंग बोल्ट हमें लाकर देना होगा इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ रात को अपनी मदर को बचाने के लिए निकलता है लेकिन इन लोगों के साथ एक एंड्री नाम की लड़की भी इनका साथ देने के लिए वहाँ से जाने लगती है जहाँ पर एंड्री इनको अपने एक दोस्त के पास लेकर जाती है जो जहाँ पर इनको हेल का रास्ता दिखाएगा एंड्री का जो दोस्त था वो जहाँ पर पर्सी को उड़ने वाले शूज़ को गिफ्ट में देता है इसके अलावा जे इन तीनों को हेल का एक नक्शा भी पढ़ने को देता है और जहाँ पर वो इनको एक शील्ड भी यानी कि पर्सी को शील्ड भी गिफ्ट करता है अब जे तीनों वहाँ से एक मूर्ति वाले घर में पहुँचते हैं जहाँ पर एंड्री सोने के सिक्कों को पारसी को देती है जो काफ़ी बेशकीमती थे इसके बाद जहाँ पर एक बूढ़ी लेडी इनके सामने आती है जो मड्यूसा थी मुंडूसा जहां पर इन लोगों को पत्थर बनाने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं लेकिन एक लेडी की आंखें खुली थी दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब वो एंड्री को पत्थर बनाने की कोशिश करती है तो पीछे से पर्सी आ जाता है और उसके ऊपर तलवार से हमला कर देता है और उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है जहाँ पर जो उसका दूसरा दोस्त था वो समझदारी दिखाकर उसका सिर अपने पास रख लेता है हम देखते हैं कि जहाँ पर इनको एक स्टोन मिलता है अब इनको दो स्टोन और लेकर आने हैं जिसकी मदद से जे हेल में जाएंगे दूसरा स्टोन ढूंढने के लिए जे एक म्यूजियम में पहुंचते हैं इनको एक बड़ी मूर्ति के ऊपर वो दूसरा स्टोन लगा हुआ मिलता है परसी उड़ने वाले शूज को यूज करके उस मूर्ति के ऊपर लगे हुए स्टोन को पकड़कर वहां से निकाल लेता है और इस स्टोन को जब जे तीनों वहां से लेकर जाने ही वाले थे तब वहां पर इनके सामने पाँचों लोग आकर खड़े हो जाते हैं और ये पाँचों ही सिक्योरिटी गार्ड अगले ही पल एक बड़े से ड्रैगन में तब्दील हो गए थे और जहाँ पर जे ड्रैगन इन लोगों को मारने के लिए अपने मुँह से आग उगलने लगता है इससे पहले कि जे ड्रैगन इन लोगों को आग से जलाकर मारता एक दोस्त उस मड्यूसा के सिर को इस ड्रैगन के सामने कर देता है और इस कारण जे ड्रैगन वहां से पत्थर का बन जाता है अब इन लोगों के पास दो स्टोन थे और तीसरे स्टोन को जे एक होटल में से वहाँ से आसानी से चुरा कर भागने लगते हैं जब जे इस स्टोन को लेकर गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग इनको रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन जे होटल को तोड़कर कर वहाँ से निकल जाते हैं अब जे लोग हेल के दरवाजे तक पहुंच गए थे जिसकी मदद से जे हेल के अंदर चले जाते हैं लेकिन बीच रास्ते में एक बंदा सामने होता है जो इनको कहता है कि अगर हेल तक जाना है तो मरकर ही जाना होगा लेकिन इस गार्ड को जो जहां पर पर्सी था वो सोने के सिक्के देता है जो उसने वहां से चुराए थे और जे सोने के सिक्के लेने के बाद वो इन लोगों को हेल तक ले जाने के लिए मान जाता है अब ये लोग उसकी शिप की मदद से हेल के राजा के महल में पहुंच जाते हैं लेकिन इनका रास्ता रोकने के लिए कुछ मॉन्स्टर वहां पर इनको मारने के लिए आ जाते हैं लेकिन तभी वहां पर हेल के राजा की बेगम आ जाती है जो इन मोन्स्टर से इन लोगों को बचा लेती है और इसके बाद इन तीनों को अपने साथ के राजा के पास ले जाने लगती हेलका है।, है राजा जहां पर पर्सी से लाइटलिंग बोल्ट मांगता है और उसकी मदर को भी दिखाता है जब पर्सी अपनी मदर की ओर बढ़ता है तब उसके हाथ से सील्ड गिरती है जिसमें वो लाइटलिंग बोल्ट होता है अब जहां पर राजा को लगता है कि जे लाइटलिंग बोल्ट पर्सी ने चुराया है पर्सी जहाँ पर अपने दोस्तों के साथ कन्विंस करता है कि उसके साथ धोखा हुआ है लेकिन जहाँ पर वो उसकी किसी बात को नहीं मानता अब वो वहाँ उनके लिए एक नरक का दरवाज़ा अपनी शील्ड के जरिए ओपन कर देता है अब जहाँ पर उन लोगों को नरक में भेजने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर भी आगे आ जाते हैं लेकिन इसी के दौरान उस राजा की जो बेगम थी उस राजा से उस लाइटलिंग बोल्ट को छीन कर उसके ऊपर हमला कर देती है और इस कारण वो बुरी तरह से घायल हो जाता है अब वो उस नरक के दरवाजे को बंद करके उन मोस्टर से पर्सी और उसके लोगों को बचा लेती है वो बताती है कि ये जो राजा है काफ़ी जालिम है और उसे पर्सी के ऊपर विश्वास है कि वो सच बोल रहा है इसीलिए वो उन लोगों को वहाँ से जाने को कहती है अब जहाँ पर जो पर्सी है तीन स्टोनस को यूज करके अपनी मदर और उस लड़की को लेकर चला जाता है लेकिन उनका दोस्त वहीं पर रह जाता है क्योंकि उसके पास स्टोन नहीं था इसके बाद उनके सामने वो लड़का आता है जिसने पर्सी को शील्ड दी थी पर्सी उसको उसके धोखे के लिए काफ़ी गुस्सा करता है लेकिन वो लड़का उसके हाथ से लाइटनिंग बोल्ट को छीन लेता है अब जहाँ पर वो पर्सी को मारने ही बला होता है लेकिन तभी पर्सी अपनी पावर्स को पानी के जरिए यूज़ करके उसके ऊपर हमला कर देता है जिस कारण वो लड़का बुरी तरह से घायल हो जाता है अब जहाँ पर पर्सी घायल करने के बाद उस लाइटनिंग बोल्ट को लेकर राजा जूस के पास आ जाता है और जहाँ पर राजा जूस को वो लाइटनिंग बोल्ट देकर सारी बात बताता है कि ये उस लड़के ने चुराया था सच जानने के बाद पर्सी को माफ़ कर दिया जाता है लेकिन पर्सी का फादर जब पर्सी के पास आता है पर्सी उससे काफ़ी नाराज था क्योंकि पर्सी का फादर कभी भी उसके पास मिलने के लिए नहीं आया इवन पर्सी को तो पता ही नहीं था कि उसका फादर एक गौड़ है और ना ही पर्सी को यहाँ पर पता था कि वो गौड़ का बेटा है इसके बाद ये जो कहानी है अपने हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाती है लेकिन गाइस इस कहानी का एक नेक्स्ट पार्ट भी है अगर आप उसको देखना चाहते हैं हमें कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें